ମାଟି ଉଠାଇ ଜାଗା ପୋତିବାକୁ ନେଇ ମରଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣ। ଠେଙ୍ଗା ଭୁଜାଲି ଶାବଳରେ ଆଖି ମୁଜା କଲେ ପ୍ରହାର। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ପୁଅକୁ ଧାରୁଆ ଅସ୍ତ୍ରରେ ମାରିଲେ ଚୋଟ। ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କ ଚୋଟରେ ଘାଇଲା ହେଲେ ବାପା ମା ଓ ପୁଅ। ତଥାପି ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କ ନାଁରେ ଲାଗିଲାନି କୌଣସି ଦଫା। जागा पोतिबा को केंद्र करी पड़ोसी रागी की निया। काहिंकि माटी खोली जागा पोतुछ बोली पचारिबा सह धारुआ अस्त्र शस्त्र रे कले आक्रमण। आखि बंद करी चोटो मारिला परी मुंड हात देह को हाणी पकाइले। पड़ोसी को गोटिए राग घर पछपट जगारु माटी खोलुछ कण पाई, माटी खोली गात पोतुछ कण पाई। एक कथा को नहीं दुई परिवार को मध्यरे दीर्घ दिन धरी बचसा लगी रही थिला। हेले गत 6 तारीख रे एही बचसा उग्र रूप नहीं थिला। डेराबिस ब्लॉक सदर थाना अंतर्गत इंदाळ पंचायत बालीसाही नानकार ग्राम रे जमी जमा विवाद को नहीं गांव रमेश राउत और तांको स्त्री संयुक्ता राउत और पुओ कमल किशोर राउत को पड़ोसी अतर्कित आक्रमण करथिले। कमल किशोर राउत और संयुक्त राउतों मुंड को भुजाली और शावल जोगे हाणी पकाइले पड़ोसी दुर्योधन राउत और तांको संपर्कियों माने। घर पाख पड़ोसी माने विरोध करी गाड़ी के अटक गाड़ी के पकईदे नदेकि गाड़ी विदा करी पुओ पुओ को बाड़े आरंभ कले। दुर्योधन राउत टुकुना राउत अंबिका राउत से हूँ पीताम राउत आज्ञा धरते ठेगा बाकी ये भुजाली शावल हाथ में थी कल मारि पक दौड़ी आसला भितर स्त्री की मारती जगह दी जगह चुट मान भुजाली रे आगे मान मुंडे पूरा आंध सैड गुरा सब बाडे आज्ञा सब मैंने नोला फाटी जाइए स्त्री उठी फची पार नहीं मुझे जा पहुँची हे हे बोली मत आज्ञा हाथ में गोटा पहाड़ पटे दिन बाँ हाथ में मुझे भी कारबार हो पड़नी आज पर्यटन सात तारिख मैंने पलिगले कौटी आम सदर सदर वाला अटकईकि आंबुलांस पठेले मैंने केन्द्रापड़ा मेडिकल को मेडिकल पठेदे मेडिकल जाए ट्रिटमेंट हेले मुझे रात 9 जाए पहुँचिली मुझे हाथ फ्रैक्चर होती फटो फटो उठे आम सारिक आस रात 12 गोटे आसली 7 तारिख दिन गोटा 2 बेलू आम सदर एफआईआर देली बाकी चांदवा फांडी कि सेठ एफआईआर चांदवा फांडी जो दिए चांदवा फांडीवाला मेत एणु तेणु कथबार्ता कर तो पुओ को आरेस्ट करूँ मेडिकल उठे आनबू आ तो पुओ बदमाश अच्छी अम कह धमकी आप जाछा था जोजोग कले से जहाँटा कह सदर से कम कर आईएसपी से आज्ञा आसने कि आम पाखे चाहूँ किसी पैसा पत्र से आड़े नहींक्री केसटा को दाबी दब बिल कि आम आड़ चाहूँ आम कहीं आज्ञा दबू आम पाखे पैसा कौटे आम सब खबरा हो सी आज्ञा कह तुम अमक धमक तुम आड़ भूल अमक धमक एंजन होनी आउ तुम ये करता कथबार्ता करते से विदा करदे तुमको आरेस्ट कर दिखाँ पुओ को मेडिकल उठे आनबू कर सो कर पाणी गाँव मतलब कहले मैं चांदवा फाणी अफिसर आक्रमण में माँ पुओ मुंड गभर आघात लगभग उभय को गुरुतर अवस्था केन्द्रापड़ा मुख्य चिकित्सालय भर्ती कर हेले उभयों अवस्था अधिक संकटापन्न थिबारु तांकु तुरंत कटक बड़ मेडिकल को स्थानांतर करा जाइथिला। इनी रमेश राउत गत 7 तारीख में चांदोल फांडी और केन्द्रापड़ा सदर थाना अभियोग करथिले किंतु तदंत दायित्व रे थिबा अधिकारी सौम्यरंजन पाणिग्राही एपर्यंत एही घटना को तदंत करिनथिबा अभियोग करिछंती रमेश और तांको परिवार। बाली मुँ आनी जगह पोतियापाई जगह पोति दे दुज राउत टुकुन राउत पीताम्बर राउत अंबिका राउत से विरोध कले पकईदेव नक आस पछड़ मत बाड़े हाणिले हाण पड़गला भुजियाली आबूल रड़ था ठेगा था हाथ में पिटीदेला मुझे पड़गली मुझे बो दौड़िया दौड़िया मो मुंड फाटिगला मो मुंड रक्त बोच हाणी दे मत दौड़िया बो जी आसे बो को बाड़े मो बो जी बोर मोर भेस पड़ी तापर मु मेडिकल गोड सदर थाना आंबुलांस पठेदे आम कटक आम इटि मेडिकल केन्द्रापड़ा मेडिकल केन्द्रापड़ा मेडिकल ट्रिटमेंट हेलु आसला पुलिस को आम देलु 6-7 तारीख एफआईआर पुलिस वाला किसी शुणिले शुणुना बापा नहीं गई थे एफआईआर बापा सुधा खराब व्यवहार कले हाँ पा सौम्य रंजन पाणिग्राही
ସେମାନେ ବାପାଙ୍କ ଘର ଆଇବାର ଗଲେ ବାପା ସେଠୁ ଆଉ ଗଲେନି ରାଜୀବନ ଘରକୁ ଆସିନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ଆରେଷ୍ଟ କରିନାହାନ୍ତି ଦଫା ମାନେ ମର ମାନେ ମୁଣ୍ଡ କଟିଗଲା ବଳେ 307 ଲାଗେ କି ଆମେ ଏଭଳି ମାନେ ଅବସ୍ଥା ହେଇଛୁ 307 ଲାଗିନି ଦଫା ଟୋଟାଲି ଦଫା ଲଗାଇ ନାହାନ୍ତି ଆଧେରେ ତୋତଳେ ରାଜନୀତି ଆଉ ଟୋଟାଲି ପଇସା ଖେଳେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆଜି ଆରେଷ୍ଟ ହେଇନା ଆମେ ଆମକୁ ନ୍ୟାୟ ଦରକାର ସବୁ ତାଙ୍କର ପାଣି ଘେରାଇ ମାନେ ଆମର ପୋଲିସମାନେ ସମସ୍ତେ ଖାଇଛନ୍ତି ପଇସା ନ ଖାଇଦେଲେ ସେମାନେ ଆରେଷ୍ଟ କରିନାହାନ୍ତି ଆସିକିରି 24 ଘଣ୍ଟାରେ ଆରେଷ୍ଟ କରିବା କଥା ଆସି 9 ଦିନ ହେଇଗଲା ହିଁ 9 ଦିନ ହେଲା ସେମାନେ ଆରେଷ୍ଟ କରିନାହାନ୍ତି ଯୁବକମାନେ ସେମାନେ ବୁଲୁଛନ୍ତି ଧମକ ବି ଦେଉଛନ୍ତି ସଦର ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ମେଡିକାଲ ରିପୋର୍ଟକୁ ପାଥେୟ କରି ଦଫା ଲଗାଇବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ମନ ଇଚ୍ଛା ଅତି ସାଧାରଣ ଦଫା ଲଗାଯାଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ବିଶେଷ ଭାବେ ପଡ଼ୋଶୀ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ମରଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣ କରି ରମେଶ ରାଉତଙ୍କ ପୁଅ ଓ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଲହୁ ଲୁହାଣ କରିଥିଲେ ବି ହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମର ଦଫା 307 ଲଗାଯାଇନାହିଁ ଯାହାକି ଏବେ ତଦନ୍ତ ଅଧିକାରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ଓ ତଦନ୍ତ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ସବୁଠାରୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ଘଟଣାକୁ 10 ଦିନ ବିତି ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆକ୍ରମଣକାରୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଉନାହିଁ ଏସବୁ ଘଟଣା ପରେ ରମେଶ ଓ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ ପୋଲିସର କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ଉପରେ ସନ୍ଦେହ ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ମାନସୀ ମିଶ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଏ1 ଓଡ଼ିଆ